अल्लाह ने इस सूरत में इसको जो पारे को शुरू किया ना वमांद बता अल्ला ही रिस्कआ बड़ा मज़े मज़ा आता है ये पढ़ने में ज़मीन पे चलने वाली जितनी मखलूक़ हैं चाहे खुशकी में या समंदर में सब का रिस्क किसके ज़िम्मे है अल्लाह अल्ला। अल्ला के ऊपर है अल्लाह के जिम्मे है व्यालम मुस्तकर रहा व मुस्त सबके सब ठिकानों को भी वो जानता है बाज़ लोग कहते हैं कि फिर भूखे भी तो लोग मरते हैं अगर सबका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे हैं तो फिर भूखे लोग कुछ जानवर भी भूखे मर जाते हैं क़ुरानी मजीद में जहाँ भी इस तरह के कलाम है ना कि अल्लाह रिस्क देता है या अल्लाह के ज़िम्मे है या ये करोगे तो रिस्क मिलेगा तो वो तमाम बातें अल्लाह की मशीअत के साथ मुत्लक़ हैं मशीअत का मतलब ये है कि जब अल्लाह चाहता है बाज दफ़ा अल्लाह की मसलहत होती है तो वो रिस्क पहुँचा सकता है मगर किसी मसलहत से पहुँचाता नहीं आजमाइश में डाल देता है तो इन आयतों का मतलब ये है कि अल्लाह के निज़ाम में ख़राबी नहीं है या अल्लाह की ज़ात में ख़राबी नहीं है बज़ दफ़ा जानबू कर अल्लाह किसी को आजमाइश में डाल के भूख से मार देता है क्योंकि ये भी मौत का एक तरीक़ा है जैसे अल्लाह किसी को एक्सीडेंट में मार देता है अल्लाह किसी को बुखार से मार देता है किसी को वबा से मार देता है तो अल्लाह किसी को भूख से भी मार देता है इसका मतलब है कि अल्लाह का निज़ाम ख़राब नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा सब कुछ जो कि हो रहा है लेकिन हकीकत ये है कि हम मुशाहिदा करते हैं ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह रिस पहुँचाता है कि आपकी सोच होगी और लगता है कि वाकई ये काम किसका है अल्लाह का मैं अक्सर एक वाक़ा अपना बयान में सुनाता रहूं बहुत पहले पुराना हो चुका है पुराने लोगों ने सुना है नए लोग नहीं सुना लेकिन मुझे बड़ी इबरत हुई थी उस वाक़े से मैं गुलशन इकबाल में रहता था तो हमारे सहन में बिल्ली ने बच्चे दे दिए और आपको पता है माएँ जब बच्चों को फीड कराती हैं ना तो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी सर्व होती है उनको भूख बहुत लगती है उनको पहले से डबल खुराक चाहिए होती है तो अब माएँ जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनका दाल पानी रिस्क शोहर ने अपने ज़िम्मे ले लिया होता है कि तुम फीड कराओ हम कमा के ला रहे हैं जबकि बिल्लियों के यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि बिल्ला जो इन बच्चों का जिम्मेदार है वो बिल्ली का नान नफका अपने जिम्मे ले, ले बिल्लों के हां ऐसा सेटअप <laughs> बोलो भाई नहीं ठीक है ना तभी तो वह बिल्ले हैं इंसान ना होते वरना तो बिल्ली ने बच्चे दिए अब बिल्ली जब बच्चे देती है तो उसको बहुत हिफाजत करनी पड़ती है अपने बच्चों की शुरू में तो बहुत ज्यादा दाएं बाएं नहीं जा सकती वो अब वो रिस्क की तलाश में ज्यादा दूर निकलेगी तो उसको डर होता है मेरे बच्चों को बिल्ला ना खा जाए या कोई और ना पकड़ ले तो अब उसकी खुराक की ज़रूरत हो गई डबल और जॉब के लिए उसके पास टाइम हो गया कम उल्टा काम हो गया ना दोनों तरफ से टेंशन लेकिन अब बच्चों को उसने फीड करानी है खुराक डबल चाहिए टाइम है हाँ ही नहीं उसके पास खुराक लेने के लिए तो मैं ये देख रहा था मैंने कहा यार ये सारा दिन तो इधर पड़ी रहती है बच्चों की हिफाजत में खाने पीने का टाइम मैंने कोई पाली भी नहीं थी कि उसका ठेका मैंने लिया वो हमारा जो गैराज गैरिश था ना गैराज उसमें उसने दिए हुए थे बच्चे तो खैर मेरे जहन में आ जा हम खिला देंगे लेकिन उस वक्त तक ऐसा कोई सेटअप था नहीं जहन में कि बिल्ली को पाल लो थोड़ा डाल दो वो तो फिर कंबल हो जाती है वो तो आपको पता है ना बच्चों समेत बैठ जाएगी वहीं ठिया लगा के तो इतना फ्री कराने के मूड में थे नहीं तो मेरे रिश्तेदारों की दावत थी ईद के दिन हमारे घर में तो सबको हमने घर में बुलाया हुआ वा था वालदा को भी और भाई बहनों को भी ना ईद के दिन मेरे घर में सब ने कहा था कि भाई ईद इस दफ़ा सुबह कहाँ गुजारेंगे ये मौलाना साहब के घर में तो मैं गोश्त ख़रीदने चला गया बकरे का गोश्त मैं लेकर आया छीछड़े हटा के बहुत साफ सुथरा ख़ानदानी किस्म का गोश्त और वो शॉपर में पैक करा के बाइक पे मैं गली में बाइक खड़ी करके हसब मामूल गोश्त वहीं छोड़ के भूले से हम घर में आ गए मेरे साथ ये बहुत होता रहता है ठीक है ना गोश्त हमारा <laughs> कान लटका हुआ है बाइक पे लटका और हम भूल ही गए किस सिलसिले में जाना हुआ था और किस सिलसिले में आ रहे हैं तो घर वालों ने कहा भैया आपको भेजा था गोश्त लेने के लिए उम्मीद तो ने कहा भाई मुझे अभी याद आया ओहो मैं जैसे ही गया हूं इतना टाइम गुजर चुका था ये बिल्ली खिलाल कर रही थी दांतों में बैठ के जैसे हम खा लेते हैं ना तसल्ली से तबीयत से फोड़ फाड़ के आखिर में जमाइया ले रहे होते हैं और वो दांतों को ना यूं, यूं यूं कर रहे होते हैं तो बिल्ली जो है ना तबीयत से वो गोश्त खा के पेट भरा हुआ था उसका और जबान से खिलाल कर रही थी खिलाल नहीं कर रही थी यू करके बिल्कुल भाई अब मजीद हाजत नहीं अब आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं <laughs> बहुत शुक्रिया आपका आपने हमें बकरे का ऐसा ताजा गोश्त खिलाया तबीयत से खाया उसने और वो गोश की बोटियां बिखरी हुई थी पूरी सड़क पे मैंने कहा हमारे तो किसी काम का ये है, है नहीं तू ही खा ले जैसे एक आदमी जंगल में गया ना कज़ाए हाजत के लिए तो कहीं खाई में गया है देखा वहां शेर बैठा हुआ था कहता है, अब तू ही कर ले हमारी तो वैसे ही निकल गई है <laughs> हमें अब करने की जरूरत <laughs> नहीं अब तू ही कर ले <laughs> थीक, थीक। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई वमा इल्ला अल्लाही रिस्क हा। जितने ज़मीन में चौपाए जानवर चल रहे हैं ना रोज़ी किसके है अल्लाह के ज़िम्मे। अल्लाह अल्ला इसको यहीं पहुँचा रहा है कि तू बच्चों की केयर कर अभी ईद आ रही है मुफ्ती साहब तेरे लिए बकरे का गोश्त खरीद के तुझे खिलाएंगे और ये होता है तो रिस जो है ना छप्पड़ फाड़ के दरवाजे फाड़ के आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला अन्फ़ मूत तस्तकमिल रिश् कोई नफ्स कोई इंसान हरगिज़ उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक अपने मुकद्दर की रोजी ना खा ले वो आपके जो आखिरी निवाला जब तक आप खाओगे नहीं ना आपकी मौत नहीं आएगी अल्लाह ने हर दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है ये तू खाएगा मुकद्दर इंसान को खींच के कहाँ लेके जाता है डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखता हूँ बहुत तो जंगलों की तो उसमें आपने देखा होगा शिकार मगरमच कर रहा है लेके कौन जा रहा है शेर कभी शिकार शेर कर रहा है और मगरमच छीन के जा रहा है मेहनत कोई कर रहा है फ़ायदा कोई और उठा रहा है तो जंगलों में भी सबको रिस्क मिल रहा है वो उसको खा रहा है वो उसको खा रहा है वो उसको खा रहा है तो अल्लाह ने फरमाया वमा मिंदा बतिन फिल अल्लाह ही इसी आयत की वजह से और इस जैसी दूसरी आयतों की वजह से मना करते हैं कि रिज़ की तंगी के खौफ से नस्ल रोकना जायज़ नहीं है कि मैं बच्चों को खिलाऊंगा कहाँ से इसका मतलब ये बच्चे आपके बच्चे पहले अल्लाह की मखलूक नहीं हो भई अल्लाह की मखलूक पहले आपके बच्चे बाद में तो अल्लाह ने तो अपनी मखलूक पैदा करनी है उनको पालने के लिए माँ बाप को पैदा किया है ये कमानत है जो अल्लाह वालदेन के हवाले करते हैं कि मेरी मखलूक है तुम पालो इसको और तुम्हें भी इससे फ़ायदे पहुँचाऊँगा आप कहते हैं अल्लाह की नहीं है ये तो मेरे बच्चे हैं मेरे ज़िम्मे हैं मेरे ज़िम्मे कैसे बच्चा पैदा होता ही माँ की छातियों में दूध आ जाता है इतनी बड़ी दलील कि यह किसके ज़िम्मे हैं अल्लाह के, के, है? अल्ला के। बेवकूफ़ यह समझता है कि सिर्फ दूध आ सकता है और कुछ नहीं अक्लमंद यह समझता है कि अभी चूँकि दूध की ज़रूरत है इसलिए दूध मिल रहा है तो ये इसकीत है कि जिस चीज़ की जब ज़रूरत होगी अल्लाह व इंतज़ाम Carrega.